जब अमरनाथ की यात्रा के दौरान बस को खाई में गिरने से स्वयं शेषनाग आए बचाने। कई बार ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं कि उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि जब कोई आप काम कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि यह मैं पहले भी कर चुका हूं या कर चुकी हूं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ होता है। कई लोग पुनर्जन्म को आस्था की नजरों से देखते हैं, तो कई लोग पुनर्जन्म जैसी कोई फिलॉसफी नहीं है ऐसा मानते हैं। आज की घटना भी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है, पर उससे यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की घटना है असम में रहने वाली नम्रता की। नम्रता असम यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाती थी। अध्यात्म की चीजों में उनका खूब मन लगता है और वह आध्यात्मिक चीजों को लेकर आगे पढ़ना भी चाहती थी। नम्रता महादेव की भक्त थी और उसका सपना था कि वह अपने जीवन में एक बार अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा जरूर करे। अमरनाथ की भूमि बर्फ के बने शिवलिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अमरनाथ का मंदिर 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। ठंड का समय था, नम्रता ने तय किया कि वो अमरनाथ की यात्रा करेगी। नम्रता के परिवार में कोई नहीं था, ना उसके माँ बाप ना उसके कोई बहन भाई। अक्सर नम्रता खुद को अकेला पाकर बहुत उदास हो जाया करती थी। फिर उसे याद आता कि उसके महादेव तो उसके साथ ही हैं, उसे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तय अनुसार नम्रता निकल पड़ी अमरनाथ की यात्रा में। अमरनाथ पहुंचकर नम्रता अमरनाथ के शिवलिंग की पूजा कर वहीं रुक गई। अमरनाथ की खूबसूरत वादियां, आध्यात्मिक प्रकृति उसे अमरनाथ से कहीं जाने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। अपने अमरनाथ यात्रा के दौरान नम्रता वहां रहने वाले एक अघोरी से मिलती है। अघोरी से ही बातों बातों में नम्रता को पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ बातें पता चलती हैं। नम्रता पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती थी, पर अघोरी से मिलकर उसकी बातें सुनकर नम्रता को भी पुनर्जन्म पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा कि सच में पुनर्जन्म होता है। नम्रता कुछ दिन अमरनाथ में रहकर वापस असम लौटने की तैयारी करती है। नम्रता ने पूरी अमरनाथ की यात्रा पैदल की थी, पर अब काफी थक चुकी थी। उसने तय किया वापस लौटते वक्त वह बस से जाएगी। नम्रता वापस लौटने लगी तो उसे वही मंदिर के पास एक बस मिल गई। उसमें बैठकर वो निकल पड़ी। जिस बस में नम्रता बैठी थी उस बस में सभी अमरनाथ के श्रद्धालु मस्ती में नाचते गाते बाबा अमरनाथ को याद करते हुए जा रहे थे। एक अलग ही माहौल बना हुआ था। नम्रता भी इन चीजों को काफी एंजॉय कर रही थी कि अचानक सभी श्रद्धालुओं को एहसास हुआ कि बस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। सभी ने तुरंत ड्राइवर से पूछा, यह बस इतनी टेढ़ी क्यों चल रही है? ड्राइवर ने कहा कि पहाड़ों पर बस चलने के कारण आप सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि बस आधी झुकी हुई है। सभी श्रद्धालु घबरा गए, फिर बाबा अमरनाथ को स्मरण कर आगे बढ़ने लगे कि तभी अचानक बस का झुकाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया और बस का एक चक्का खाई की तरफ मुड़ गया। बस का चक्का खाई की तरफ होने के कारण सभी श्रद्धालु अत्यंत घबरा गए और उनमें हलचल मच गई। लोग उतरकर भागना चाहते थे, पर उन्हें मालूम था कि यदि उन लोगों ने थोड़ी भी हलचल मचाई तो बस खाई में गिर सकती है। बस का ड्राइवर भी अत्यंत घबरा गया, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। तभी नम्रता ने सोचा कि क्यों ना धीरे से निकलकर किसी से मदद मांगी जाए। वो धीरे धीरे बस से उतरी और मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी, पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। नम्रता को जब मदद नहीं मिली तो वापस बस की तरफ आकर खड़ी हो गई। वह बस की कंडीशन देखने के लिए जब झुकी तो सहसा उसका पैर फिसल गया और खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी एक व्यक्ति आकर उसका हाथ थाम लेता है और नम्रता को गिरने से बचा लेता है। ना जाने वह व्यक्ति कहां से आ गया और नम्रता को बचाने के बाद कहने लगा कि बेटी संभल के रहा करो, जबकि देखने में तो वह व्यक्ति करीबन 30 की उम्र का लग रहा था। उसने अचानक नम्रता को बेटी कहना शुरू कर दिया। नम्रता को पहले बहुत अजीब लगा कि आखिर 30 वर्ष का व्यक्ति उसे बेटी क्यों कह रहा है। वह व्यक्ति खाई की तरफ जाकर बस को दूसरी तरफ धक्का देने लगा। अचंभित बात यह थी कि खाई की तरफ जाने पर वह गिरा भी नहीं, जैसे उसे काफी अनुभव था या उस खाई से उसका कोई पुराना नाता था। सभी श्रद्धालु, नम्रता, बस ड्राइवर यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर यह कौन है जिसने आकर उन लोगों की जान बचा ली। तभी एक अघोरी वहां आता है। यह वही था जिसे नम्रता अमरनाथ में मिली थी। सभी श्रद्धालुओं ने और नम्रता ने सोचा कि उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया जाए जिसने उन लोगों की जान बचाई है, लेकिन वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। खाई की तरफ वह व्यक्ति मदद करने के लिए गया था, न जाने वहां से कहां गायब हो गया। तभी सभी लोगों ने देखा कि बस के पास में शेषनाग गुजर रहा है। लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्हें मालूम चल गया कि शेषनाग ने ही उन लोगों की मदद की है, उनकी जान बचाई है। पर अब भी एक सवाल नम्रता के मन में चल रहा है कि आखिर यदि शेषनाग एक व्यक्ति के रूप में आकर हमारी जान बचाई तो उन्होंने मुझे बेटी क्यों कहा। अघोरी ने नम्रता के चेहरे पर शिकन देखी तो उन्होंने नम्रता से पूछा उनकी बेचैनी का कारण क्या है। नम्रता ने सारी बात उस अघोरी को बताया। अघोरी हंसने लगे और कहा कि आज ही सुबह मैंने तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में बताया था, हो ना हो शेषनाग तुम्हारे पुनर्जन्म के पिता थे, उन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई है। यह बात सुनकर नम्रता चकित रह गई। जिस बात को वह नहीं मानती आज उसके साथ वही घटना हो गई। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।